सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के ग्राउंड पर कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र व छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके संबंध में सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के प्रबंधक DR लाल ने बताया कि कोविड की वजह से 2 सालों से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस वर्ष 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता कराया जा रहा है। उन्होंने कहा, शिक्षा के साथ खेलकूद का भी बहुत महत्व है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का मालिक होता है, जिसमें विद्यालय के छात्र और छात्राओं ने भाग लिया है तथा इस खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी प्रतिभागियों को शनिवार को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य RB सिंह सहित छात्र व छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रबंधक DR लाल ने कहा, ऊर्जा का इस्तेमाल किया हमको करना देखे, लेकिन छोटी लड़की बढ़ गए प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त कर ले। निश्चित मिनी वर्ग 200 मीटर, सीनियर वर्ग 200 मीटर। देखिए विशाल भाई, देखो किस तरह से अपने पोजीशन को ये लड़की जो पश्चिम तरफ की, देखिए प्रथम स्थान प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल होने जा रही है। उनका नाम नोट कर ले, तुरंत जो नाम मैं बुलाया हूँ उन बच्चों को खड़ा कर दे। देखिए बालिका अपनी दौड़ पूरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। विशाल प्रताप उनका परिचय प्राप्त कर ले। प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक जी, भावकों का उत्साह वर्जन और परिचय प्राप्त करते हुए ये परिचय पूर्ण हुआ। तृतीय स्थान लोड करेंगे और पीछे हो जाते विशाल प्रताप सिंह है दौड़े, बहुत अच्छा। देखिए अच्छे भारत किस तरह से अपने अपने स्थानों को प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छे। मेरा नाम रेवरेंड DR लाल है, मैं इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ और साथ ही साथ मैं डायसिस ऑफ लखनऊ, जो हमारी डायसिस है, उसका मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे शास्त्री चौक पर स्थित जो हमारा चर्च है, क्राइस्ट चर्च, उसका मैं प्रभारी पुरोहित हूँ। देखिए ये सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज है, जो बहुत पुराना कॉलेज है, रिप्यूटेड कॉलेज है, और जो इतिहास रहा है वो हम देखते हैं कि पिछले 12 वर्षों से जो स्पोर्ट्स या खेलकूद प्रतियोगिता वार्षिक हुआ करती है कॉलेजों में, यहाँ किन्हीं कारणवश संपन्न नहीं हो पाई थी, लेकिन वर्ष 2019 से मैं यहाँ का प्रबंधक नियुक्त हुआ हूँ। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि कोविड महामारी आ गई, जिसके कारण फिर दोबारा संभव नहीं हो पाया, लेकिन इस वर्ष राहत है और इस वर्ष हमारे क्लासेस चल रहे हैं। और शिक्षा के साथ साथ शिक्षा जगत में खेल कूद का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का मालिक होता है। उनके अंदर भी ऐसे इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार ये प्रयास किया गया कि इस वर्ष 2021 में वार्षिक खेलकूद का आयोजन किया जाए। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य श्री RB सिंह जी, हमारे और भी जितने सम्मानित शिक्षणगण हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस वर्ष हम 2 दिवस का खेलकूद पर कार्यक्रम रखेंगे वार्षिक, और यही इसी क्रम में आज 17 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। और ये सारे कार्यक्रम जो आप देखें, बहुत सारे कार्यक्रम इसमें है, इवेंट्स है, इनको हमने प्रारंभ कर दिया है और कल इसका समापन होगा और समापन में पुरस्कार वितरण किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा। और मेरा व्यक्तिगत प्रयास है कि सेंट्रल कॉलेज में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर
इस खेल कूद को ज़्यादा महत्व दिया जाए, उचित जितना आवश्यक है, क्योंकि जितना आवश्यक शिक्षा जगत में शिक्षा का एक गुणवत्तापूर्वक पालन करते हुए शिक्षा हमें देना आवश्यक है, उसी प्रकार खेल कूद का भी हमारे शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका प्रयास हमने एक छोटा सा प्रारंभ किया है। ये कॉलेज जो है ये सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त है और निःशुल्क शिक्षा योजना के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी फीस न लेने का निर्देश है, जिससे हम निःशुल्क शिक्षा में फीस नहीं ले पाते, इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं भी जिससे जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इस इंटर कॉलेज को, सेंट जॉन्स इंटर कॉलेज को अपने प्रधानाचार्य, अपने आदरणीय इस डायसिस ऑफ कॉलेज के अध्यक्ष राइट रेवरेंड डॉक्टर पीटर बलदेव की संरक्षण में हम इस कॉलेज को वो इज्जत दे सकें, उस स्तर तक पहुंचा सकें जो पिछले बहुत वर्षों पूर्व इसकी थी।